आम आदमी पार्टी ने जमानत जब्त कराने में तोड़े सारे रिकॉर्ड। गुजरात में 128 सीटों पर तो हिमाचल की सभी सीटों पर आपकी जमानत जब्त। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड में 100% कैंडिडेट्स नहीं बचा पाए थे अपनी जमानत। बात गुजरात की करे या फिर हिमाचल की, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की करे या फिर महाराष्ट्र, गोवा की, इन सभी जगहों पर पिछली बार जब भी विधानसभा चुनाव हुए थे तब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जीत के बड़े बड़े दावे किए। लेकिन इन सबके उलट आम आदमी पार्टी ने जमानत जब्त कराने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते 3 सालों में लड़े 4 विधानसभा चुनाव तो केजरीवाल के लिए इतने बुरे रहे कि वहां सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने वाले आंकड़ों पर नजर डाले तो यूपी में केजरीवाल ने 349 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, वहां सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का एक भी प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाया। इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी केजरीवाल ने 46 सीटों पर ताल ठोकी थी, लेकिन एक भी सीट पर जमानत नहीं बची। झारखंड में भी आम आदमी पार्टी के सभी 26 कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। अभी हाल ही में गुजरात में केजरीवाल की पार्टी की 128 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के 97% उम्मीदवार जमानत नहीं बचा पाए। गोवा में जहां केजरीवाल सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, वहां 39 में से 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। महाराष्ट्र में भी केजरीवाल के 96% प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि दिल्ली और पंजाब के चुनावों को छोड़कर आम आदमी पार्टी ने जिस भी प्रदेश की सियासत में दस्तक दी, वहां उसकी ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत नहीं बच पाई। अब जमानत जब्त होने के मायने भी जान लीजिए। विधानसभा चुनावों में नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय प्रत्याशी को ₹10,000 बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होता है। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को ₹5,000 जमा करना होता है। जब कोई प्रत्याशी को कुल वोट का 1/6 हिस्सा भी नहीं मिलता है तो चुनाव आयोग पैसे वापस नहीं करता और इसी को जमानत जब्त होना कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सीट पर 1,00,000 लोगों ने वोट किया है तो जिस भी उम्मीदवार को 16,667 से कम वोट मिलेंगे उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की 128 सीटों और हिमाचल की सभी सीटों पर जमानत जब्त होना केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले हरियाणा की जनता ने भी केजरीवाल को ऐसा ही झटका दिया था। हरियाणा दिल्ली से सटा प्रदेश है और केजरीवाल भी हिसार के रहने वाले थे। ऐसे में जानकार कयास लगा रहे थे कि हरियाणा की कई सीटों पर आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन सभी 46 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी और अभी गुजरात में तो केजरीवाल ने कई भविष्यवाणियां की थी जो फेल हो गई। गुजरात और हिमाचल के चुनावों में केजरीवाल ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने का दावा किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जमानत जब्त कराने के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।